बाबू की तबीयत ठीक नहीं है, मैं बेटा ठीक है, परेशान नहीं कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा मेरी भी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो रही है, पता नहीं उसको क्या हो गया। शाम से थोड़ी लो लग रही थी, शाम को भी नीचे खेल के आई, फिर जल्दी सो गई थी आते ही, थोड़ी देर में सो गई थी मतलब, और फिर सुबह पूरी रात भी उसने ऐसे ही चल रहा था, उसको थोड़ी थोड़ी देर में जग रही थी, मेरे को बस ऐसे सोने नहीं दिया, मेरी आँखें देखो आप कैसे हो रही है आज। और प्लस सुबह उठ गई थी वो साढ़े पाँच बजे मुझे उठी थी, तब उसको थोड़ा सा फीवर लग रहा था मुझे, ऐसे गर्म गर्म हो रही थी, तो उसको मैंने जैसे तैसे करके वापस सुलाया, और फिर 9 बजे कुछ उठी थी वापस, तब तो सही लग रहा था, फीवर वगैरह तो नहीं था, अब भी थोड़ी सी गर्म लग रही है, इतना ये तो बोल रहे नहीं लग रही तेरे को, ऐसा ही लग रहा है, लेकिन मुझे यूँ लग रहा है थोड़ा सा गर्म है, थोड़ी सी गर्म है मतलब, और चिड़चिड़ बहुत कर रही, बाकी कुछ नहीं कर रही, चिड़चिड़ी बहुत हो रही है मतलब, छोटे छोटे उसमें गुस्सा बहुत आ रहा है उसको, पता नहीं क्या हो गया है। तो उस चक्कर में आज मैं लंच भी नहीं बना पाई इनके, सिर्फ कल की रोटी पड़ी थी वो कोए बना के, इन्होंने भी नाश्ता किया, मैंने तो अब नाश्ता किया है जाके, तो बस अब मैं फटाफट से लंच बनाती हूँ क्योंकि लेट हो जाएगा। फिर टीवी चला के देख के आई हूँ क्योंकि टीवी से ही थोड़ा बहुत सही रहेगी, बाकी तो आज तो उसको रखना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। टिफिन पैक हो गया मेरा, उन बनाई थी नमकीन की सब्जी, मेरे हस्बैंड को ना अलग अलग नमकीन है, छोटी मोटी अलग अलग ट्राई करना बहुत अच्छा लगता है। और आज देखो बर्तन भी मेरे जमा ही नहीं है, आज मैं हूँ किचन में नहीं आई तो मेरे बर्तन भी रह गए, तो अब बस चलते हैं किचन करके आ जाते हैं फटाफट। क्या हाँ बेटू, मम्मा बनाएगी, इधर देखो इधर देखना, फोन में देखना बेटू, फोन में देखना, आज मेरा बेटा बिल्कुल भी खेल नहीं रहा है कुछ भी, है ना, इसको सही नहीं लग रहा है यार, पता नहीं मतलब फीवर भी इतना नहीं है, थोड़ी सी गर्म लग रही है मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन चिड़चिड़ी सबसे ज़्यादा चिड़चिड़ी हो रही है, और गुस्सा बहुत आ रहा है इससे हर बार। मैं रखते बेटा मैं तेरे बनाती हूँ खाना, अब मैं उसके लिए कुछ बनाती हूँ ताकि उसको थोड़ा मैं खिलाऊँ, सही से दूध भी सही नहीं पिया इसने आज, और खाना भी इतना खास कुछ खा नहीं रही है ये, तो मैं इसके लिए कुछ बनाती हूँ यार, पर मेरे को ऐसे एक हाथ में इसको रख के ही बनाना पड़ेगा क्योंकि ये नीचे तो बिल्कुल रह नहीं रही है, और भूख भी लग रही है तो बनाना भी ज़रूरी है। खोलो बेटा, मम्मा खोल ना, नहीं खुल रहा। तो ये मैंने ना अंडर आई क्रीम और ये तो सीरम मंगाया मैंने मार्क का, और ये अंडर आई क्रीम मैंने मंगाई है, इसको ना मैं यूज़ करूँगी और आप लोगों को फिर मैं बताऊँगी इसका क्या रिजल्ट आता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि मैं बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल अंडर आई डार्क सर्कल्स हो गए हैं, तो उस वजह से मैंने ना ये अंडर आई क्रीम मंगाई है, तो इसको मैं यूज़ करूँगी फिर आप लोगों को बताऊँगी रिजल्ट इसके क्या आता है, तो आप भी ऑर्डर कर सकते हो, वैसे रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं इसके, हिमालय की है। मैं हूँ अभी मैं रेडी इसलिए हो रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा बाहर जाना है, कुछ काम है मेरे को, तो उस वजह से अब आ रहे हैं हस्बैंड, उनकी ऑफिस से छुट्टी होने वाली है तो वो आएंगे, फिर हम लोग जाएंगे, पास में ही जाना है, ज़्यादा दूर नहीं जाना है, तो तब तक मैं मेहू को रेडी कर लेती हूँ। मेहू जस्ट अभी उठी है और ये पार्सल का मैं पूरे दिन से वेट कर रही थी, नहाने गई तो भी यूँ कि पार्सल आ जाएगा, और अब जाके ये पार्सल आया है, इतना लेट आया है, तो चलिए बस मैं मेहू को रेडी करके फिर निकलते हैं, बस आने वाले हैं ये भी, वापस आ गए हैं घर, और मैंने कुछ शूट नहीं किया क्योंकि मेहू के साथ मार्केट में शूट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो बस जिस काम से गए थे वो तो हुआ नहीं, वो शॉप बंद थी आज, तो कुछ जाते हैं तो खुद तो शॉपिंग हो ही जाती है, तो आप लोग देख सकते हो मैं ये चूड़ियाँ ले आई हूँ, एक मिनट में दिखाती हूँ, ये तीन तीन चूड़ियों का सेट है, तो ये रेगुलर हिसाब से ठीक है, तो अब घर जाएंगे तो मैंने सोचा ले लेती हूँ रेगुलर पहनने के लिए, तो ये मैं ले आई हूँ और कुछ नहीं लिया मैंने, बस अब घर आ गए हैं वापस। कब से बोल लेगा ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते। तो गाइस यहाँ पे चल रही है पैकिंग घर जाने के लिए, आप लोग को बताया था, तो यहाँ पे मेहू के सारे कपड़े हैं, मेहू के ही ले जाना, मेरे तो वैसे कुछ खास ले जाना नहीं है, ये शॉल भी निकाली मैंने, और ये मैंने स्किन केयर
और इसमें मेकअप है और इसमें कुछ हेयर बैंड्स वगैरह ये सब रखे हैं। ये बहुत सारी, ये मतलब बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब अच्छा है मतलब ट्रैवलिंग के लिए। और डायपर वगैरह भी रख दिए मेहू के। और तो मुझे तो मेरा तो कुछ रखना नहीं है ज़्यादा कुछ, मैं तो बस मेरे स्किन केयर मेकअप और एक दो सूट रखूँगी, बाकी तो सब घर पे ही पड़े हैं। और बाकी तो मेरे को ये ओढ़ने ये रखने हैं, ये सारे ओढ़ने रखने हैं मुझे। इनको ना मुझे कोर लगानी है तो वहाँ पर टाइम भी मिल जाता है, लेकिन मेरा मन करेगा तो मैं लगा दूँ, कि मेरा ना सिलाई वाली चीज़ों में ज़्यादा मन नहीं लगता है, तो फिर भी कोशिश करूँगी इनको लगाने की। और सूट इनके सारे सिल गए हैं तो काम आ जाएंगे ओढ़ने में। तो यही बस है, पैकिंग करती हूँ। खाना वाना हमने खा लिया, खाना ये बाहर गए थे तो ये तो खा के आए थे और मेरे लिए लेके आए थे, तो मतलब मेरे तो यहीं से लाए थे, टिफ़िन मिलता है या मिल्टिंग में तो वहाँ से लाए थे। तो बहुत टेस्टी खाना था आज, मतलब मैंने खाया, ये ओढ़ना निकाल के ले आई मेरे। अभी नहीं जाना, रात को कहाँ जाएंगे, अपन सुबह चलेंगे ना, तब मैं ओढ़ूंगी तब तेरे को भी ओढ़ाऊँगी, ठीक है, है ना। जब पापा ओढ़ाएंगे, पापा के पास चली जाओ, जाओ। मेहू को अब थोड़ा सही लग रहा है, उसने खाना भी खाया है, थोड़ा दूध भी शायद पिया होगा, अभी मैं देख के आई थी क्योंकि दही नहीं जमाना था आज, तो उसके पापा को और दोनों को मैं दूध दिया था। तो बस सिर्फ पैकिंग करनी है मुझे, क्योंकि सुबह सोच रहे जल्दी निकलेंगे, देखते कब तक हो पाता है। मेरे साथ ना बहुत बड़ी चिल्लो गई है आज, मैं जो चूड़ियाँ लेके आई हूँ ना, मुझे चेंज करनी पड़ी आगे चूड़ी, क्योंकि वो आई नहीं रही, इस हाथ में नहीं आ रही। मैंने वहाँ पे देखी तो मतलब मेरे दो चार की साइज़ आती है, दो चार की थी, मैंने उस हाथ में तो आ गई थी, लेकिन अब मैं आके इस हाथ में पहन रही हूँ तो वो आ ही नहीं रही है। मतलब अब मैं दिखाती हूँ, मैंने पहनने की कोशिश की तो ये देख सकते हो, तो यहाँ पे पूरा रेड रेड हो गया, मतलब थोड़ा सा घिसा के ये स्किन, तो फिर मैंने सोचा छोड़ो या तो उसको मैं चेंज करा दूँगी। और अभी तो मेरे पास ये दो लाल चूड़ियाँ आगे की पड़ी थी, वो मैंने डाल दी है, तो अभी तो काम चलेगा। लेकिन मुझे ना वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था, ये ज़्यादा इतनी अच्छी नहीं लग रही है इसके साथ, लेकिन ठीक है, अभी ये पहननी पड़ेगी, कल तो चेंज भी नहीं करा सकते हैं। तो ये हो गया मेरे साथ, मैंने ना उस हाथ में ट्राई नहीं करी, मैंने बस ऐसे पहन के देखी, क्योंकि मैंने बनवाई अलग अलग चूड़ी लेके, तो मैंने बस देखा कि कैसा लग रहा है, तो मुझे लगा इस हाथ में आके तो उस हाथ में भी आ ही जाएगा, लेकिन वो नहीं आया, तो ये सब हो गया है। तो यहाँ पे पैकिंग तो हो गई ऑलमोस्ट, और लास्ट तो फाइनल पैकिंग तो देखो एंड टाइम पे ही होती है, वो तो जब निकलेंगे तभी पता चलेगा क्या रह गया क्या नहीं है। बाकी मैंने बड़ा बड़ा जो भी मतलब बाहर था वो सारा रख दिया मैंने अंदर, और ये मैंने बैग खाली किया ना, तो देखो मेहू की कितनी सारी फ्रॉक्स निकली अंदर से, ये सारी फ्रॉक्स मैंने इसमें डाल रखी थी, तो ये देख सकते हो आप इतनी सारी फ्रॉक्स मेहू की, और जिसमें से सब मेहू ने सिर्फ एक दो तीन ही पहनी होगी मतलब, और कुछ तो पहनी नहीं है, और मतलब कुछ एक एक बार सब पहन रखी है इसने, तो इस आधी तो आती नहीं है इसके, कुछ आती है जो किसी काम की नहीं है, कहाँ पहना है ऐसे। मुझे इतना ज़्यादा परेशान किया है ना पैकिंग करने में, मैं जैसे जैसे रख रही हूँ ये आके निकाल के देखो आप, इसको ना पता नहीं क्या ही शौक है इतना मेकअप का। चलो तो छोटा मोटा तो मतलब सब कुछ रख दिया है मैंने, और बाकी जो भी रहेगा वो सुबह देख लेंगे, सुबह जल्दी उठने की कोशिश करेंगे, मेहू अगर सोने देगी तो रात को, क्योंकि मतलब मैं आज मेंटली पहले से प्रिपेयर हूँ कि ये नहीं सोने देने वाली आज, पता नहीं थोड़ा सा ऐसे कर रही है, मतलब खेल वेल सब सही रही है, लेकिन नींद इसको सही नहीं आ रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। तो बस सब देखते हैं क्या करते हैं, कब तक सोती है और फिर सोएंगे हम भी, मतलब मैं भी, और फिर सुबह वापस सब तक ब्लॉग शेयर करेंगे। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ मैं, आप अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय, गुड नाइट।